एक ऐसा मंदिर जहां भगवान राम ने तोड़ा था शिव धनुष और यहीं पर हुआ था माता सीता और भगवान राम का विवाह। चलिए जानते हैं इस खास मंदिर के बारे में और इससे जुड़ी हुई जानकारी। आप देख रहे हैं मंदिर दर्शन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। दोस्तों आज हम आपको रामायण से जुड़ी निशानियां बताएंगे जो हजारों साल बीतने के बाद भी ऐतिहासिकता का प्रमाण दे रही है। रामायण काल में मिथिला के राजा जनक थे और उनकी राजधानी का नाम जनकपुर है। जनकपुर नेपाल का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। ये नेपाल की राजधानी काठमांडू से 400 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में बसा हुआ है। ये शहर भगवान राम के ससुराल के रूप में भी जाना जाता है। जनकपुर में ही माता सीता ने अपना बचपन व्यतीत किया था। कहते हैं कि यहीं पर श्री राम का विवाह भी हुआ था। विवाह पंचमी के अवसर पर लोग इस मंदिर में पूजा करने आते हैं। भगवान राम ने इसी जगह पर शिव धनुष तोड़ा था और यहाँ मौजूद एक पत्थर के टुकड़े को धनुष का अवशेष कहा जाता है। यहाँ पर धनुषा नाम से विवाह मंडप स्थित है। इसी में विवाह पंचमी के दिन पूरी रीति रिवाज के साथ राम जी का विवाह किया गया था। यहाँ से 14 किलोमीटर उत्तर धनुषा नाम का एक स्थान भी है। आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पर भारत के टीकमगढ़ की महारानी वृषभानु कुमारी ने जानकी माता मंदिर का निर्माण किया था। पुत्र प्राप्ति की कामना से महारानी वृषभानु कुमारी यहाँ रहा करती थी। जनकपुर रहने के दौरान एक संत को माता सीता की एक मूर्ति मिली थी जो सोने की थी। महारानी ने 1895 ईसापूर्व में जानकी मंदिर का निर्माण करवाया। उन्होंने ही यहाँ मूर्ति की स्थापना की थी। जानकी मंदिर साल 1911 में बनकर तैयार हुआ। कहते हैं ये करीब 4,860 वर्ग फीट में फैला हुआ है। उस समय इसके निर्माण में 9 लाख रुपए खर्च हुए थे, इसीलिए इस मंदिर को नौलखा मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर में वर्ष 1965 से लगातार यहाँ सीताराम नाम का जाप और अखंड कीर्तन चला रहा है। इस मंदिर को जनकपुर धाम भी कहा जाता है। मंदिर के विशाल परिसर के आसपास कुल मिलाकर 115 सरोवर हैं। यहाँ पर कई कुंड भी मौजूद हैं, जिनमें गंगा सागर, परशुराम कुंड और धनुष सागर अधिक प्रसिद्ध है। करीब 4,860 वर्ग फीट में फैले इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उस समय इसके निर्माण पर कुल 9 लाख रुपए खर्च हुए थे, इसीलिए इस मंदिर को नौलखा भी कहा जाता है। साथ ही इस मंदिर के पास आपको गंगा सागर, परशुराम कुंड, धनुष सागर इत्यादि सब मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये मंदिर से जुड़ी हुई खास जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा पूरी आग की तरह फैला दीजिए। धन्यवाद।